प्रश्नकाल प्रश्न संख्या 261 श्री गिरधारी यादव। माननीय मंत्री जी पटल पर रखा गया। माननीय सदस्य महोदय, हाईकोर्ट के पीठ की स्थापना केंद्रीय सूची में और बिहार जैसे 13 करोड़ राज्य वाले आबादी वाले राज्य में मात्र एक हाईकोर्ट है, कोई बेंच नहीं है, जबकि इससे कम आबादी वाले राज्य में हाईकोर्ट एक हाईकोर्ट और दो बेंच है। क्या केंद्रीय सूची में पीठ की स्थापना यदि है तो क्या भारत सरकार बिहार में भागलपुर में या बिहार के और किसी इलाके में हाईकोर्ट के बेंच की स्थापना करने का विचार रखती है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हाईकोर्ट बेंच की स्थापना जसवंत सिंह कमीशन की रिकमेंडेशन और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के तहत की जाती है। इसके अंतर्गत कंसर्न हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस व गवर्नर की सहमति से स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कंप्लीट प्रपोजल केंद्र सरकार को कंसीडरेशन हेतु भिजवाया जाता है। इसी जब वो कंसीडरेशन हेतु प्रस्ताव आ जाता है तो बेंच हेतु आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी और एक्सपेंडिचर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ये प्रक्रिया जसवंत सिंह कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के द्वारा तय की गई है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो ये बिहार की बात कर रहे हैं, इसमें वर्तमान में भागलपुर या पूर्णिया में पटना हाईकोर्ट की बेंच खोलने से संबंधित कोई प्रस्ताव विचाराधीन भी नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हाईकोर्ट और पीठ की स्थापना केंद्रीय सूची में है, राज्य सूची में नहीं है, न समवर्ती सूची में है, जब केंद्र सूची का बात क्यों कोई चीफ जस्टिस या गवर्नर करेगा? लोक कल्याणकारी राज्य में भारत सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि 13 करोड़ आबादी वाले राज्य में खुद से प्रयास कर। क्या है प्रश्न? ये प्रश्न क्या प्रश्न है कि जब केंद्र सूची में है तो फिर इसमें गवर्नर और हाईकोर्ट क्या? भारत सरकार को प्रयास करना चाहिए इस दिशा में, वो हाईकोर्ट बिहार में स्थापित करे 13 करोड़ आबादी वाले को। केंद्र सूची में 78 और 79 नंबर पर है आपका अधिकार, करिए आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी को भी जानकारी है कि देश संविधान के अनुसार चलता है, संविधान में सुप्रीम कोर्ट की भी व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है और जसवंत सिंह कमीशन की रिकमेंडेशन भी इसी तरह ये प्रक्रिया तय हुई है। जिस किसी भी हाई कोर्ट में अगर इनके राज्य में हाई कोर्ट की कोई बेंच स्थापित की जानी है तो ये हाई कोर्ट का प्रस्ताव लाए, स्टेट गवर्नमेंट की सहमति लाए, गवर्नर की भी सहमति लाए, उसके बाद विचार करने का विषय आएगा ना। प्रक्रिया तय है, अभी विचाराधीन नहीं। श्री राजेश रंजन जी, मैं माननीय मंत्री महोदय जी से पहले भी रविशंकर जी ने लंबा चौड़ा चिट्ठी लिखा था, उसको आप अध्ययन कर लीजिए। नेशनल जुडिशियल डाटा के मुताबिक आपको याद होगा लॉ कमीशन ने 125वां रिपोर्ट आप देख ली, उसमें स्पष्ट है और गांधी जी का वो जस्टिस डिलेड एंड जस्टिस डिनाई, ये जो दो इशू है इसको आप देखिए, इसमें कहीं से राज्यपाल या आप उसको मंगा सकते हैं। अन स्टेट में आप ही के स्टेट में 3, महाराष्ट्र में 3, बिहार की आबादी 13 करोड़, महाराष्ट्र में 2, मध्य प्रदेश में 3, राजस्थान लखनऊ में 2, जबकि तीसरा लखनऊ में 4 होना चाहिए उत्तर प्रदेश में। आप बिहार में, मेरा आग्रह है कि बिहार में एक हाईकोर्ट पर 237,000 लगभग अभी तक केस पेंडिंग है पटना हाईकोर्ट में। अध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि अभी तुरंत कुछ दिन पहले वकील को रहने के लिए कोई पटना में जगह नहीं है तो नीचे में बैठ करके वकील साहब हाईकोर्ट के वहां पर, मैं बता रहा हूं कि जल गए ट्रांसफर पर। मेरा आग्रह यह है इसमें कि पूर्णिया हाईकोर्ट बेंच आज से लंबित नहीं है, या पूर्णिया कोसी सीमांचल मिथिलांचल भागलपुर का जो इलाका है वो सबसे ज्यादा पुअर पीपुल है, पटना नहीं आ सकता है, दूरी है और जस्टिस उससे नहीं मिलेगा। उसी तरह बेतिया, छपरा, शिवहर, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, तो 2 बेंच और, एक पूर्णिया एक मुजफ्फरपुर गोपालगंज छपरा। राज्य सरकार प्रस्ताव भेजेगी, हाईकोर्ट प्रस्ताव भेजेगा। माननीय मंत्री जी बताइए, आप क्लियर करिए रूम से। मैं आपके माध्यम से पुनः माननीय सदस्य को ये चीज स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जसवंत सिंह कमीशन की रिकमेंडेशन, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, उसमें कुछ प्रक्रियाएं तय कर दी,
उस प्रक्रिया के तहत पहले राज्य कंसर्न में हाईकोर्ट और राज्य सरकार नई बेंच स्थापित करने के विषय में सभी पहलों पर विचार करके आपसी सहमति बनाएंगे। तो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, राज्य सरकार का चीफ मिनिस्टर और फिर गवर्नर, ऐसी सहमति बनेंगे, ऐसा कोई प्रस्ताव आएगा। तो अभी कोई ऐसा प्रस्ताव आया हुआ नहीं है, यही मैंने उनको कहा। वर्तमान में देश में 25 उच्च न्यायालयों की 25 प्रिंसिपल सीट के अलावा, ये बात ठीक है कि कुल 15 जिसमें 13 परमानेंट बेंच और 2 सर्किट बेंच कार्यरत है।